तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। मैं आज NH 44 जम्मू से लखनपुर तक जो सुरक्षा इंतजाम है उसको देखते हुए मैं यहाँ लखनपुर में आया हूँ, और ये सारा इंतजाम जो है श्राइन बोर्ड और पुलिस के साथ मिलकर के CRPF कर रही है, और CRPF को एक अहम जिम्मेवारी मिली है, और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं अमरनाथ यात्रा के लिए वे सुरक्षित वापस चले जाए अपने घर को, ये हमारी मंशा होगी। डीजी साहब, लास्ट ईयर और इस साल की तुलना में क्या आपके नई चुनौतियाँ हैं यात्रा को लेकर? की थोड़ा दूरी बात देखिए, इस साल जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज है, और हमारी जो इंतज़ाम में हम लोगों ने काफ़ी बढ़ोतरी करी है, टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया है, मैन पावर तो हमने बढ़ाया ही है, और आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन है डिफरेंट सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन है, एंड हमारी मुझे पूरा विश्वास है कि इस जो स्टेप्स आए हैं इसके बाद हमारा कार्य सक्सेसफुल होगा और पूरा जो हमारा यात्रा के पीरियड अच्छा निकलेगा। सुरक्षा के दृष्टि से कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आपकी कैसी इंतजाम है? यहाँ की एक तरफ इंटरनेशनल बॉर्डर है, लेकिन प्रोटेक्शन भी होती है, चूँकि इंटरनेशनल बॉर्डर पास में है तो हमेशा ये शंका होती है कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद कोई भी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं या जो यात्री हैं उन पर कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए, तो इसके सारे इंतजाम किए गए हैं, जितने भी इन्फिल्ट्रेशन रूट्स हैं या जो भी लिंक रूट्स हैं, सड़कों पे भी नाका लगा हुआ है, पेट्रोलिंग पार्टीज है, तो जो इंतजाम है वो पुख्ता है। कठुआ जिला में लास्ट ईयर इस साल कितनी मैन पावर रहेगी? थोड़ा मैं मैन पावर के बारे में कभी भी ये नहीं ठीक समझता कि मैं एग्जैक्ट नंबर बताऊँ, लेकिन जितनी भी नंबर है वो एडिक्वेट है। अभी तक जो आपने आज दौरा किया है उससे आपने जो सिक्योरिटी की जो अरेंजमेंट देखे हैं आप सेटिस्फाइड? मैं सेटिस्फाइड हूँ, और साथ में ये भी हमारे दिमाग में है कि मैं और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकूँ, ये हमारे ऑफिसर से हमारी बातचीत हुई है और उनको मैं कुछ निर्देश दिया है जो कि आने वाले दिनों में इम्प्लीमेंट हो। कठुआ जिला से कोई खुफिया इनपुट? बहुत सारे इनपुट्स हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये इनपुट्स मैं चैनल से डिस्कस करूँ।